चलो अब सब चुप रहना, पता नहीं चलना चाहिए घर में शूट हो रहा है, साइलेंस एकदम। हेलो एंड वेलकम, कहा था ना चुप रहना। व्हाट नॉनसेंस। हेलो एंड वेलकम टू व्हाट नॉनसेंस, जिसका प्रसारण हो रहा है मेरे घर से, जैसे कि आपको पता चली गया होगा। आप क्या करें, कितनी तैयारी कर लें, कितनी प्लानिंग कर लें, लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में होती नहीं है। वो क्या एक शेर है ना कि आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। लाइफ की कुछ अनसर्टेनिटीज ऐसी ही होती हैं जो बिन बुलाए मेहमान की तरह बस आधमकती हैं और बताती भी नहीं है कि कितने दिन रहने वाली है। कोरोना वायरस ऐसी एक बिन बुलाई मुसीबत है जिससे जुड़े कई सवाल हमारे दिमाग में घूम रहे हैं। ये कब तक चलेगा, हमारा क्या होगा, हम कितने दिन घर में बैठेंगे, दफ्तर कब जाएंगे, ऐसे कितने सवाल हैं जिसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। हमारी हालत वो शोले की कालिया जैसी होगी जिसको नहीं पता कि उसका क्या होगा। तेरा क्या होगा कालिया। साइकोलॉजी की माने तो आगे के बारे में ना पता होना हम इंसानों को बहुत बेचैन कर देता है। इससे जुड़ी एक रिसर्च हुई थी 1960s में, जिसमें बताया गया था कि अगर हम इंसानों को बताकर इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाए तो हमें उतना झटका नहीं लगेगा जितना बिन बताए दिए जाने पर लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि हमें एक दिन पहले बता दिया जाए कि हमारा ऑफ कैंसिल हो गया तो हमें उतना बुरा नहीं लगता जितना ऑफ के दिन अचानक दफ्तर बुला देने पर लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें मौका नहीं मिलता तैयारी करने का या हालात को काबू में करने का। कोरोना वायरस ने हमारी लाइफ में ऐसी ही अनसर्टेनिटी लाकर रख दी है जिसने हमारी जेब, हमारी सेहत, हमारे दिमाग पर असर डाला है। हम में से कई लोग इस अनसर्टेनिटी की वजह से तनाव में आ गए हैं, कई लोग अपने घर की तरफ कूच कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि उनका क्या होगा। WHO ने भी माना है कि कोरोना वायरस की वजह से लोगों की मानसिक सेहत पर असर पड़ा है। लेकिन जब आपकी हालात पर काबू करने की क्षमता ना हो तो आप क्या ही कीजिएगा। जेमी होम्स ने किताब लिखी है नॉनसेंस, हाँ ये किताब का नाम है नॉनसेंस, द पावर ऑफ नॉट नोइंग। जेमी कहते हैं कि हम इंसानों को अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी को टॉलरेट करना सीख लेना चाहिए, ये हमारी लाइफ की रियलिटी है। ये जो दुनिया है ये और ज्यादा पेचीदा और अनप्रिडिक्टेबल होती जा रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। ऐसे में मैटर ये नहीं करता कि हम क्या जानते हैं, हम कितने कॉन्फिडेंट हैं, बल्कि मैटर ये करता है कि हम क्या नहीं जानते और हम उसके साथ कैसे डील कर पा रहे हैं। ये बिल्कुल एग्जाम में आउट ऑफ द कोर्स पूछे जाने वाले सवाल की तरह है। जो बच्चा उस सवाल को निकाल ले जाता है वही सिकंदर बन जाता है। युवाल नोआ हरारी ने एक शानदार किताब लिखी है सेपियंस। वो कहते हैं कि बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ ये भी सिखाना चाहिए कि किस तरह दिमाग को फ्लेक्सिबल किया जाए, किस तरह नए और अनोखे और अजीब हालातों के साथ कंफर्टेबल हुआ जाए। शायद यही वजह है कि आजकल बच्चे समझ गए हैं कि कोरोना की वजह से खेलना पार्क में नहीं है बल्कि घर में है। वहीं कई घोड़े हो चुके लोगों को अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है और वो बाहर टहलने निकल पड़ते हैं और पुलिस के डंडे खा के लौटते हैं। ये शॉट बढ़िया, ये फैंटास्टिक फैप है, चौके के साथ खाता खोला। तो भलाई इसी में है कि अभी हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लें कि झाड़ू पोछा डस्टिंग ये काम हमें ही करने हैं। अब ये कब तक चलेगा, कितने वक्त तक चलेगा, ये मुझे पता होता तो फिर क्या बात होती। तो अपने काम पर लगने से पहले जी न्यूज का फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेज जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। कर रही हूँ यार, कर रही हूँ, मिलती हूँ।